आज हम डिस्कस करेंगे बायोफिल्म फॉर्मेशन की स्टेजेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग स्टेजेस जो होती है बायोफिल्म फॉर्मेशन की वो क्या क्या होती है पीछे मैं कुछ वीडियोस बना चुका हूँ करम सेंसिंग के ऊपर बायोफिल्म के ऊपर अगर आपने वो वीडियोज़ देखने हैं उनको देखिए अगर आपको चैनल का कॉन्टेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बायोफिल्म फॉर्मेशन की स्टेजेस को और डिस्कस करते हैं कि किस तरह से इनको डिफाइन किया गया है देखिए जब भी हम बात करते हैं बायोफिल्म फॉर्मेशन की सिंगल माइक्रोब से तो सबसे पहले क्या होगा कि जो बैक्टीरियल सेल है आपका यहाँ देख रहे हैं मैंने डिजाइन किया बैक्टीरियल सेल और वो सरफेस के ऊपर अटैच करेगा फर्स्ट स्टेज में क्या होगा कि जो अटैचमेंट होगी वो रिवर्सिबल अटैचमेंट होगी यानी बैक्टीरिया जो है डिटैच भी हो सकता है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा इर अटैचमेंट तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि माइक्रोब्स जो है वो फॉर्मली अटैच हो रहा है सरफेस के ऊपर तो ये देखिए सेकंड स्टेज में हम सरफेस को डिजाइन इस तरह कर सकते हैं और उसके ऊपर दिखा सकते हैं कि देखिए माइक्रोब जो है फॉर्मली अटैच हो चुका है और इसके केस में इ अटैचमेंट इसको मैंशन करेंगे तो ये बेसिकली सब स्टेजेज हो गई अटैचमेंट स्टेज की ही जिसमें आपके पास रिवर्सिबल और इ अटैचमेंट माइक्रोब की किसी भी सॉलिड सरफेस के ऊपर होगी उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो आएगा माइक्रो कॉलोनी फॉर्मेशन यानी एक सरफेस के ऊपर आप देखेंगे कि छोटी छोटी कॉलोनीज जो है, है colonies, हैं, बैक्टीरिया की सिंथेसाइज होंगे इसके केस में यहां पे मेंशन करो मैं माइक्रो कॉलोनीज स्टेजेस वैसे मोनोलेयर फॉर्मेशन से स्टार्ट होती हैं तो आप देख रहे हैं कि सेल जो है पाइलअप होनी शुरू हो जाएंगे और एक छोटी सी माइक्रो कॉलोनी जो है कंस्ट्रक्ट होगी और उससे आगे जो है मैक्रो आप देखेंगे ह्यूज मैक्रोकॉलोनी थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स वो कंस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाएंगे तो आप देख रहे हैं ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये एक सरफेस के ऊपर होंगे और फिल्ड होंगे बैक्टीरियल सेल से तो आप देख रहे हैं कि क्लियरली इनके अंदर जो है बहुत सारी बैक्टीरियल सेल्स होंगी और ये एक थ्री डायमेंशनल आर्किटेक्चर तैयार करेंगे जो कि होगी एक मैच्योर बायोफिल्म तो इसके केस में हम कहेंगे ये एडवांस स्टेज ऑफ बायोफिल्म फॉर्मेशन है आफ्टर दैट डिस्पर्शन इज द स्टेज उसमें क्या होगा कि जो सेल्स होंगे वो डिटैच होंगे और दे विल रीस्टार्ट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन अगेन इन द सेम वे कि वो सरफेस के ऊपर अटैच होंगे और इस स्टेज को हम कहेंगे मैच्योरेशन और मेच्योर भाईफिल्म इसको हम कह सकते हैं तो ये फाइनल स्टेज हुई हमारी उससे पहले जो है माइक्रो कॉलोनी फॉर्मेशन मैक्रो कॉलोनी फॉर्मेशन और रिवर्सिबल इिवर्सिबल स्टेजेस जो है इनिशियल अटैचमेंट स्टेजेस में आती हैं आपकी इसको आप सिंगल स्टेज भी कह सकते हैं और माइक्रो कॉलोनी को आप बेसिकली कह सकते हैं कि मोनोलेयर फॉर्मेशन से शुरू होता है और उसके बाद माइक्रो कॉलोनी एंड देन यू विल हैव मैच्योर बायोफिल्म तो एक तरह से ओवरव्यू हो जाता है आपका बायोफिल्म फॉर्मेशन का जिसमें आपके पास फाइनली एंजाइमेरिक डिग्रेडेशन होगी आपकी मेच्योर बायोफिल्म की और बैक्टीरिया जो है वो न्यू बैक्टीरियज जो है रिलीज होंगे एंड दे विल अगेन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बायोफिल्म सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ बायोफिल्म फॉर्मेशन उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा वीडियो जिसमें मैंने आपको बहुत ही क्विक वे में बताने की कोशिश की कि कौन कौन से अलग अलग स्टेजेस होती हैं बायोफिल्म फॉर्मेशन की और किस तरह से बैक्टीरिया एक मेच्योर बायोफिल्म कंस्ट्रक्ट करता है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें वीडियो को शेयर करें थैंक यू दोस्तों